अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का ब्लॉग जो है मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, क्लीनिंग वगैरह के सारे काम ख़त्म हुए और सुबह सुबह थोड़ा सा मैंने जो है ना बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। तो अब जो है ना मतलब सुबह के टाइम थोड़ी ठंड होती है, लेकिन ये कि दिन को मौसम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ मैंने मंगवाई थी, तो रात को काफ़ी ज़्यादा लेट ये मेरे हस्बैंड इनको लेकर आए थे, तो फिर रात को मैंने निकाल नहीं सकी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। कल कुछ घर के काम ज़्यादा ही किए थे मैंने, तो बस अब आगे इंशाल्लाह ताला रमज़ान भी आ रहा है। रमज़ान से पहले जो है डीप क्लीनिंग की मैं जो है वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी, तो डीप क्लीनिंग के काम सारे स्टार्ट होंगे। कि रमज़ान से पहले पहले आपको पता है कि मेरे हमेशा मेरी रूटीन होती है कि मैं क्लीनिंग के काम जो है ना रमज़ान से पहले कर लेती हूँ, ताकि रमज़ान में आपको सिर्फ कुकिंग करनी पड़े और सिर्फ जो है क्योंकि सहरी इफ्तारी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम हो जाता है। तो फिर उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो रहे हैं 1 मार्च से, तो फिर थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी से जो है ना डीप क्लीनिंग के काम स्टार्ट कर लूँ। कुछ रूम्स के अंदर तो अंदर मैंने सेटिंग वगैरह जो है वो मैंने कर ली थी, बाकी रूम्स तो बिल्कुल साफ़ थे, बस मैंने कर्टन्स वगैरह उतारने थे, उनको वॉश करवाना है। और उसके बाद ब्लैकनेट्स वगैरह जो है वो मैंने सारे वॉश करवा दिए थे, बेड शीट्स मोटी वाली हटा के जो है ना दूसरी कॉटन वगैरह की जो है वो रखूँगी, क्योंकि हम मोटी बेड शीट्स पे तो है ना गर्मी फील होती है। तो खैर यहाँ पे कुछ सब्जियां वगैरह लाए थे, पूरी मंथली जो है ना ग्रोसरी में सब्जियां वगैरह जो है वो सारी मैं मंगवा लेती हूँ, तो बस इनको पूरे मंथ के लिए जो है सेव करना। किस तरह से सेव करती हूँ, जो टमाटर जितने भी जो रेड कलर के ज़्यादा होते हैं ना, जो जल्दी जो है पके हुए होते हैं, उनको खैर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बाकी जो थोड़े से ऊपर से मतलब फील हो रहा होता है कि ये अभी थोड़े दिन सर्वाइव कर लेंगे, तो खैर उनको जो है फ्रिज में रख देती हूँ। तो प्याज वगैरह भी जो मतलब अक्सर जो होता है ना शॉपर में प्याज बहुत ज़्यादा गीला होता है, उस वजह से जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उनमें चेक करके जो है ना उसके ऊपर से जितना भी छिलका वगैरह होता है वो उतार देती हूँ, और जो मतलब ये कि जल्दी ख़राब होने वाला होता है उसको पहले यूज़ कर लेती हूँ। बाकी पिछले मंथ का थोड़ा बहुत सामान पड़ा था इसको ऊपर कर दूँगी और ये वाला पोर्शन भी खाली करूँगी, तो यहाँ पर बाकी कुछ चीज़ें जो है ना वो डाल दूँगी। अच्छा, लहसुन अदरक जो है मैं वो तो वैसे फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन जो मैंने कहा अब फ्रिज में नहीं रखती इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। खैर देखते हैं, वैसे ख़राब तो नहीं होता, पूरा मंथ ही यूज़ हो ही जाता है। तो वैसे तो कुछ लोग पेस्ट वगैरह भी बना के रखते हैं, लेकिन मैं पेस्ट नहीं बनाती इतना, तो मेरे पास टाइम नहीं होता पेस्ट बनाने का, और दूसरा पेस्ट का कलर जो है वो भी चेंज शायद हो जाता है, टेस्ट भी मुझे उस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो ये जो हरी मिर्चियाँ होती हैं इनको वॉश करके कपड़े पर डाल देती हूँ, जितना भी इनमें पानी वगैरह होता है ड्राई हो जाता है, फिर इसको खुले बर्तन में डाल के ना हवा में थोड़ा सा छोड़ देती हूँ ताकि ये ड्राई अच्छे से हो जाए, और उसके बाद इसकी जितनी भी डेंटल वगैरह होते हैं ना वो उतार देती हूँ, और उतार के फिर इसको जो है ना कंटेनर में डाल के तो फ्रिज में रख देती हूँ टिश्यू के साथ फूक करके। और बाकी ये सब्जियाँ वगैरह इस तरह से वॉश करके ही सारी रखती हूँ ताकि फ्रिज ख़राब ना हो, तो काम बाद में भी आसान हो जाता है। टमाटर ये देखें, ये अभी कुछ दिन तक चल सकते हैं, तो इसलिए इनको जो है ना मैं वो फ्रिज में रखूँगी, तो पहले इनको यूज़ कर लूँगी, तो बाद में जो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं ना वो फिर फ्रीज़ हो जाते हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा पके हुए होते हैं। फिर ये देखें, इनमें बस थोड़े से ही थे जो फ्रीज़ करने वाले थे, ज़्यादा पके हुए थे, क्योंकि अगर इनको मैं फ्रिज के नीचे वाले हाने में रखूँगी ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। अच्छा, सुबह के टाइम ठंड होती है तो थोड़ा सा गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, ना तो अभी समझ आ रही है गर्म कपड़े रखें ना दूसरे कपड़े निकालने की समझ आ रही है, मौसम भी जो है ना ऐसा हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, और मौसम की चेंजिंग की वजह से जो है ना बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है बच्चों को। बाकी कुछ और भी ग्रोसरी की चीज़ें मैंने मंगवाई थी, तो मंथली ग्रोसरी तो अभी नहीं लाई जो है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो ये हस्बैंड रात को ले आए थे, कुछ दालें इसमें और नूडल्स वगैरह और ऑयल वगैरह ये सारा कुछ। काफ़ी टाइम से जो है ना मेरे चैनल पे जितने भी है ना आउटिंग के व्लॉग्स चल रहे थे, तो मैं कश्मीर में रहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि कश्मीर के बाहर के व्यू भी आप लोग दिखाया करें, सारे घर की रूटीन की व्लॉग ना दिखाया करें, तो इसलिए ना मेरे चैनल पे फिर आउटिंग की ब्लॉग्स आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे रात को ठंड थी तो मैं बिस्तर में बैठ के जो है सलाद काट रही थी, रायता बना रही थी, यहाँ पे मैंने जो है ना खीरा निकाल के देखा तो ये बिल्कुल जुड़ा हुआ था, मुझे लगा ये जुड़वा दोनों आपस में ना भाई बहन है, तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आज की वीडियो इतनी थी, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, बताया करें वीडियोज़ कैसी लगती हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दिया करें, बड़ी मेहनत से जो है ना वीडियोज़ बन
बनती हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।